उपदेश तो करते हैं सभी पाप न करना, उपदेश तो करते हैं सभी पाप न करना, सुनते हैं अपने कान मगर खुद आप मगर नहीं हैं। सुनते हैं अपने आप कान खुद मगर नहीं, क्योंकि उपदेश तो सभी कर लेते हैं लेकिन उपदेश की पालना बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, जैसी कहे करे जो तैसी, राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, ये विधि आप संवारे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जस कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान, कहे कबीर चुंबक बिना क्यों जीते संग्राम। दुनिया के लोग क्या करते हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और है, तो ऐसे काम नहीं बनेगा। कबीर साहब ने कहा, जस मुख तस जो हृदय होई, जैसा मुख में है वैसे व्यक्ति को हृदय में भी रखना चाहिए, नहीं तो केवल जो है तो बाहर से बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। अपने जीवन की वास्तविकता, अपने जीवन की पवित्र रहनी, अपने जीवन में पवित्र मन, अपने जीवन में पवित्र बुद्धि, पवित्र विचार जब तक नहीं आएंगे तब तक केवल ज्ञान कहने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि महाभारत में भी लिखा है कि शास्त्रों को पढ़ने वाले भी बहुत हैं, पढ़ाने वाले भी बहुत हैं, किंतु ये सब व्यसनी और मूर्ख हैं। तो बोला फिर पंडित कौन है, क्रियावान से पंडित है। काम क्रोध मद लोभ की, कबीर साहब ने फरमाया, काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, तब लग मूर्ख पंडिता दोनों एक समान। उसमें पंडित में और अज्ञानी में, ज्ञानी में और अज्ञानी में क्या अंतर है? कबीर साहब ने पंडित कोई जाति से नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भाई पंडित वह है जिसके जीवन में अपने आप का ज्ञान हो गया है, पवित्र रहनी है, सबको प्रेम में देखता है, प्रेम का वातावरण कायम करता है, प्रेम में जीता है। वो प्रेम कहीं बाहर नहीं दिखता है, प्रेमन हाँ बाड़ी उपजे, प्रेमन हाट बिकाए, राजा प्रजा ते रुचे, शीश दे ले जाए। तो प्रेम जो है तो किसी खेत में किसी बाड़ी में पैदा नहीं होता है, हाँ प्रेम आपकी बॉडी में पैदा होता है। प्रेम कहीं हार्ट और बाजार में नहीं बिकता, वो आपके हार्ट में पनपता है। लेकिन जो अपने जीवन को समर्पित कर देता है वही प्रेम को प्राप्त करता है। तो वास्तविकता ये ही कि हर व्यक्ति को प्रेममय जीवन बनाना पड़ेगा। मैंने तो अपनी जिंदगी की मौज पुस्तक में लिखा भी है कि राष्ट्र का निर्माण करना प्रेम का प्याला पियो, स्वार्थ की जंजीर तोड़ो एकता से सब जियो, ज्ञान का दीपक जलाओ मधुरतम व्यवहार से, और देश का कल्याण हो जग में जियो ऐसे जियो। अगर मनुष्य को अब घर का, परिवार का, समाज का और राष्ट्र का सही ढंग से निर्माण करना है तो सबसे पहले उसको प्रेम का प्याला पीना पड़ेगा। किंतु आज का मानव प्रेम का प्याला पीना पसंद नहीं करता, आज का मानव तो शराब का प्याला पिए तब मस्ती, और नाली में लुढ़के अब कुत्ता मुख चाटे तब और मस्ती। तो सड़ी हुई चीज़ों को आदमी आज पी रहा है, सड़ी गली चीज़ें खा रहा है, सड़ा हुआ जीवन जी रहा है। कारण क्या है? क्योंकि उसकी सही सोच और सही बुद्धि नहीं। उसका मेन कारण क्या है? क्योंकि उसको सही संग नहीं मिलता है। अगर उसे सही संतों का संग मिल जाए, इसलिए कबीर साहब ने सबसे बड़ा बल दिया है कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याग और ओछी संगत क्रूर की तो आठों पर उपाय। इसलिए साध की संगत करो। साध का मतलब होता है जिसने अपने जीवन को साधना संपन्न बनाया है, जिसका तन सदा हो, जिसका मन सदा हो, जिसकी वाणी सदी हो, जिसके कर्म सदे हो, उसका पूरा जीवन जिसका सदा हुआ होता है वास्तविक में उसको साधु कहा है। अगर आज की भाषा में उसको कहा जाए तो गुड मैन, एक अच्छा आदमी। तो अच्छा आदमी बनने के लिए अच्छे लोगों के पास में बैठना पड़ेगा, सज्जनों के पास में बैठना पड़ेगा, क्योंकि आदमी जैसा संग करता है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। मनुष्य तो वैसा अच्छा ही होता है, जब बच्चा जन्मता है तो बिल्कुल निर्मल होता है, लेकिन उसको जैसा जैसा संग मिलता चला जाता है वैसे वैसे उसका जीवन बदलता चला जाता है। जैसे जल है, उदाहरण के तौर पे समझें, जैसे जल है तो जल को अगर आप नमक का संग करा दें तो नमकीन हो जाता है, खारा हो जाता है। अगर उसी जल को आप चीनी का संग करा दें तो मीठा हो जाता है। उसी जल को आप शराब का संग करा दें तो दुर्गंध आने लगेगी,
अगर उसी जल को आप इत्र का संग करा दें तो सुगंध आने लगेगी, सुगंधित हो जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य भी जैसा जैसा संग पाता है वैसे वैसे भी उसका जीवन बल जाया करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अच्छे महापुरुषों का, संत और सदगुरु का संग करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सद्ज्ञान की प्राप्ति हो और सद्ज्ञान पा करके हम अच्छी दिशा की ओर चलें। और अच्छी दिशा क्या है? सत्य का मार्ग। जो सत्य का मार्ग पर चलता है उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। कबीर साहब ने कहा कि कबीर साहब से किसी ने कहा मैं तुमको श्राप दे दूंगा, तो कबीर साहब ने कहा सांचे श्राप न लागे, सांचे काल न खाए, सांचे ही सांचा जो चले ताको का न साए। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मुस्करा कर चल पड़ा सच्चाई पर जो आदमी, और दारिद्रता उसकी गई दुनिया में उसको क्या कमी। इसे हर व्यक्ति को चाहिए कि सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वास्तविक में वही निर्भय होता है, उसके कोई प्रकार का भय व्याप्त नहीं रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को सत्य में समर्पित होना है। और सत्य क्या है? सत्य हमारी आत्मा है, सत्य हमारी चेतना है, सत्य हमारा स्वरूप है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, कभी सड़गल नहीं सकता है, वह अविनाशी अखंड है। उस अखंड अविनाशी जो चैतन्य है उसी में अपना एकाग्रता पूर्वक ध्यान चिंतन मनन करें और अपने स्वरूप में शांत हो जाएं, बस जीवन का कल्याण हो जाएगा। कीजिए आप दर्शन कीजिए। हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पुराण। ना हम हिंदू ना मुसलमान, हज काबे जाऊं ना तीर्थ पूजा, एको सेवी अलवर ना दूजा। हज काबे जाऊं ना तीर्थ पूजा, एको सेवी अलवर ना दूजा। एको सेवी अलवर ना दूजा, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पुराण। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पुराण। ना हम हिंदू ना मुसलमान। निरंकार ले हृदय नमस्कारूं, पूजा करूं ना निवास गुजारूं, एक निरंकार ले हृदय नमस्कारूं, एक निरंकार ले हृदय नमस्कारूं। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पुराण। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पुराण। ना हम हिंदू ना मुसलमान।
कबीर ए क्या बेखाना गुरपीर मिल खुद खसम पहचाना कहे कबीर ए क्या बेखाना गुरपीर मिल खुद खसम पहचाना गुरपीर मिल खुद खसम पहचाना ना हम हिंदू ना मुसलमान अल्लाह राम के पिंड पुराण ना हम हिंदू ना मुसलमान अल्लाह राम के पिंड पुराण ना हम हिंदू ना मुसलमान।